से जो आप स्प्रेड करते हो तो हाथ में आपको केमिकल की प्रॉब्लम हो सकता है। यू कैन पुट अपना फर्टिलाइजर डायरेक्टली इधर डाल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये जो होल है यहाँ से उसका एडजस्टमेंट है, आपको कितना रेट देना है, ज़्यादा देना है कम देना है अकॉर्डिंग टू योर रेट, के जी पर हेक्टर का जो आपका रेट है उसके हिसाब से कैलिब्रेट आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। देन इसका इस तरीके से जब हैंडल घुमाएंगे तो नीचे यहाँ से फर्टिलाइजर यहाँ आ जाएगा और ये इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नीचे स्प्रेड हो रहा है। फाइल करने के लिए जो लेडीज को हाथ का जो फोर्स रहता है ये वाला जो चलनी का एक्शन, तो ये इसमें क्या हो जाता है लोड पूरा मशीन ले लेता है, इनको बस इसको आगे पीछे करना रहता है तो लोड हाथ पे नहीं आता है। एंड इट इज डबल स्क्रीन क्लीनर, फर्स्ट स्क्रीन आपका टहनी वहनी जो साफ कर लेता है, नेक्स्ट स्क्रीन आपका डस्ट सॉइल साफ कर लेता है, अंदर आपको क्लीन सीट मिल जाता है। ये पैक ये इसके साथ आ जाता है। ये है आपका सैक होल्डर, आप सैक को अटका दो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है अंदर डाल दो और इस तरीके से उसको क्लैंप कर दो तो आपको कोई एक्स्ट्रा पर्सन भी नहीं लगेगा सैक पकड़ने के लिए, आप सैक को सकते हैं कि आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैक्सिमम हाइट के ऊपर है बट अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ, अगर तो फिर मैं उसको रिड्यूस करके नीचे वाले पोल में रख सकती हूँ। ये अभी ऑपरेशन में ये मेरे ऑलमोस्ट आई लेवल तक आ रहा है। मैडम ने आपको बताया होगा हर एक का एंथ्रोमीटर एडजस्ट करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, इट विल बी यूजफुल फॉर मी टॉल पर्सन कैन यूज शॉर्ट पर्सन। इसमें डेप्थ एडजस्टमेंट भी है, ये जो आप ब्लेड देख रहे हैं इसका आप यहाँ से डेप्थ एडजस्ट कर सकते हैं तो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन कैन आल्सो बी। यहाँ से एक जो है वो आगे से इसको खींचेगा, सो ये आपको नाली बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, जो आप चैनल या फिर लिपनिंग के लिए चैनल लिपनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बगल की जो ग्रास होती है वो हटाना और डीटॉपिंग करना, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं। आपको शुगर केन को इसके अंदर फंसा देना है, यू कैन डू दिस, ये करके इसके अंदर आप शुगर केन को फंसा दो और बस खींच दो तो स्ट्रिप हो जाए तो बाकी का जो लीफ है वो निकल जाएगा और ये जो है इसे आप डीटॉपिंग कर दो। इसका ये बहुत पुराना मॉडल है, एक्चुअली हैवी मॉडल है, इसका लाइटर मॉडल भी मार्केट में आता है। टाइप आता है सिटिंग टाइप आता है, लेडीज के लिए नॉर्मल हम लोग सिटिंग टाइप रिकमेंड करते हैं, बैठ के काम हो जाता है। आपका जमीन के ऊपर चलेगा, यू कैन सी अंदर का जो मीटिंग मैकेनिज्म है जो है वो रोटेट करेगा, एक सीड और एक फर्टिलाइजर लेके वो बराबर यहाँ पे नीचे फर्रो में ड्रॉप करता जाएगा। ठीक है, ये भी दो लेबर से चलता है, यहाँ पे आप डोरी डाल लो, एक लेबर खींचेगा एक लेबर गाइड करेगा पीछे। राइस वो जो सीड है इसमें डायरेक्ट सीडिंग यहाँ पे होती है राइस की, तो इसलिए आप इसमें आप जो आपका भिगोया हुआ राइस है वो डाल दीजिए। आपको इस तरीके से ये जो पट्टी है ये हटानी है, ये जो ये होती है ना ये कवरिंग पट्टी होती है उसके ऊपर इस तरीके से, तो आपको चूज़ करना है डिस्टेंस कितना है। सेम ऐसे दो होल इधर है, दो होल आपको 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए तो ये होल को कवर कर दो, ये होल सेम वही है, ये पट्टी को इधर खींचा दो, जो होल चाहिए वो एक्सपोज कर दो। इस तरीके की आप डिस्टेंस भी मेनटेन करके डायरेक्ट पैडिंग से निकल सकते हैं। हाई स्पेसिंग तो आप ये देखिए स्पेसिंग इसका बराबर मेंटेन होता जाएगा। वही है मेज सोयाबीन बना बड़ा जो है उसके लिए यहाँ तक नहीं रहता, क्या देखा इतना ही आपका पैर अंदर चला जाता है यहाँ पे पैडी के पोजिशन। सो बेटर देन फोडोमीटर मैनोमीटर इज ऑलवेज सजेस्टेड फॉर दिस एप्लीकेशन, बट जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया, कोस्टल केरला हो गया या कोस्टल महाराष्ट्र, हाँ तो ये जो जब पानी यहाँ तक चला जाता है ना जो आप पैर अगर डालते हो तो यहाँ तक भी जाता है, इसमें हम लोग ज़्यादा रेकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें स्टैगनेंट वाटर होता है, 5 to 10 से 5 to 7 सेकंड स्टैगनेंट वाटर होता है,